आगे बढ़ते हैं। टोन टैग एक ऐसा मंच जो ध्वनि और NFC टैग का उपयोग करके मोबाइल भुगतान को सक्षम बनाता है। इससे कोई भी मोबाइल डिवाइस इंटरनेट के बिना भुगतान करने में सक्षम होता है। इसने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के तरीकों को बदल दिया है। जहां इंटरनेट की पहुंच अभी भी कम है, टोन टैग के भुगतान सॉफ्टवेयर की खास तकनीक ने इन्हें 2021 प्रतिष्ठित स्टार्टअप इंडिया पुरस्कारों तक पहुंचाया है। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। पुराने वक्त से ही भुगतान करने के तरीकों में बदलाव होता रहा है और आज के दौर में डिजिटल पेमेंट लोगों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। दुनिया की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन के बजाय साधारण फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को डिजिटल पेमेंट के साथ कैसे जोड़ा जाए। इन लोगों को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने का काम कर रहा है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप नफा, जो डिजिटल भुगतान सॉफ्टवेयर टोन टैग का संचालन करता है। स्टार्टअप मोबाइल फोन, कार्ड स्वाइपिंग मशीनों और दूसरे भुगतान करने वाले उपकरणों पर संपर्क रहित डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाता है। हमने स्टार्ट किया था 2012-2013 के आसपास, जब हमें एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम एक रिवर्स वॉलेट बनाते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें दिखता है वो है कि अगर आदमी कैश में पेमेंट करना चाहता है तो उसका वो ऋण कैसे लेगा मर्चेंट से। दुकानदार के पास हमेशा छुट्टे पैसे नहीं होते, चिल्लर पैसे का हमेशा दिक्कत है उनके पास। तो 2012-13 में डिजिटल वॉलेट वैसे भी बहुत कम था, अभी स्टार्ट हो ही रहा था जिस टाइम पे हमने ये सोचा। एंड उस टाइम पे कुमार इन्फोसिस में काम कर रहे थे, फिनेकल का डिप्लॉयमेंट वो देखते थे सिंगापुर में। टोन टैग की साउंड वेव आधारित तकनीक मुख्य तौर पर एक सॉफ्टवेयर है जिसे किसी भी उस मर्चेंट ऐप में इंस्टॉल किया जा सकता है जो डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है। मर्चेंट ऐप का उपयोग कर उपभोक्ता भुगतान आइकन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद व्यापारी को भुगतान स्वीकार करने के लिए एक पॉपअप आता है और ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके किया जाता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है UPI 123 पे के ऊपर वॉइस से, वो बहुत सिंपल है। आप बात करो, आपको जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको लगता है कि आपका फास्टैग का बैलेंस कम है, आपने फोन लगाया, बोला कि मुझे फास्टैग रिचार्ज करना है, अगला अमाउंट बताया, पिन डाला, आपका फास्टैग रिचार्ज हो गया। तो जो चैलेंज आता है, या फिर मुझे बैलेंस ही जानना था कि मेरे फास्टैग में बैलेंस है या नहीं है, बस कॉल लगाया, पूछा कि मेरा बैलेंस बता दो, फास्टैग में है कि नहीं, मेरा टोल आने वाला है, मुझे पता चला कि बैलेंस कम है, मैंने रिचार्ज किया और बिना रुके मैं गाड़ी से क्रॉस कर गया। टोन टैग ने कई पेटेंट दर्ज कराए हैं और स्टार्टअप का मकसद पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के मंत्र को विश्व स्तर पर ले जाना है। तो आज जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है, मिनिस्ट्रीज लॉन्च कर रही है, वहां पे डिजिटल लिटरेसी का जो चैलेंज है वो हम बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आप सिंपल बोल के बात कर सकते हो एंड वहां पे आप इजीली अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। टोन टैग फीचर फोन पर संपर्क रहित भुगतान को सक्षम बनाता है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने डिवाइस से कम लागत में आसानी से व्यापारी को भुगतान कर सकते हैं। भारत के आंतरिक इलाकों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की क्षमता के साथ वॉइस पेमेंट को बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। साउंड वेव आधारित भुगतान तकनीक में पहला संचालक होने की वजह से टोन टैग को बढ़त मिलना निश्चित है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD News।